सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। आज जो हम माता रानी लेने के लिए जा रहे हैं नवरात्रि पर, जहाँ मैं रहती हूँ हमारे घर के सामने जो है माता रानी की चौकी हर साल लगती है। माता रानी आती है, अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं सभी भक्तों को। आपको तो पता ही है, कुछ भी हम स्वयं से नहीं करते, सब कुछ सहयोग से ही होता है। तो हम जो है माता रानी को लेने के लिए जैसे ही हमने साधन किया, तो हम माता रानी को जहाँ से हर साल लेते थे उसी जगह पहुंचने के लिए हम जा रहे थे कि माता रानी हम वहीं से लेंगे। पहले से ही सोच रखा था कि हमें माता रानी इस बार कैसी लेकर आनी है, लेकिन हम जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ तो नर्सरी बन चुकी है। अब जो माता रानी यहाँ नहीं मिलती हैं, उन्होंने कहा आप आगे जाओ, वहाँ आपको मिलेंगी। तो हम जो है यहाँ आए, देखा माता रानी के अलग अलग मुखारविंद थे, बहुत सुंदर। देखिए आप सब भी माता रानी के दर्शन कीजिए, और इतने सुंदर छवि थी, ऐसा मन करता सब माता रानी को मैं लेकर अपने साथ घर चली जाऊं। लेकिन जब उन्होंने हमसे ये कहा कि आपको एक भी माता रानी नहीं मिल सकती है, मानो हृदय हमारा टूट गया। उन्होंने कहा सब बुकड हैं, या आपको जो है नहीं मिल सकती है माता रानी। उन्होंने हमें कहा कि आप उस जगह जाइए, दूसरी जगह जहाँ पर आपको माता रानी मिल सकती है। हम सब जो हैं फिर वहीं के लिए निकल लिए। रास्ते में बहुत अधिक जाम था, फिर हम पहुँच ही गए फाइनली उस जगह जहाँ माता रानी विराजमान थी। यहाँ पर ना माता रानी के अलग अलग स्वरूप थे, ये मतलब कि एक भी माता रानी का चेहरा दूसरी माता रानी से नहीं मिल रहा था। माता रानी ने पोशाक पहनी हुई थी, सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी हुई थी। ये देखो माता लक्ष्मी जी, ये भ्राता कार्तिकेय जी, बहुत सुंदर मूर्तिकार के हाथों में समझ लो कि प्राण डाल दिए हैं। इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया है, बहुत अधिक सुंदर। केश तो माता रानी के ऐसे लग रहे थे मानो कि बहुत मतलब कि साक्षात आ गई हैं माता रानी हमारे सामने, स्वयं भू प्रकट हो गई हैं। हमने माता रानी को लाड दुलार करते रहे, मन करता सारी माता रानी को ले जाए। हम कहते थे ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। फिर हमने भ्राता गणेश जी को देखा, फिर उसके बाद हमने आगे आगे चल के जो है सभी को देखते रहे। हमें जो चाहिए था मतलब कि माता रानी जो हमें पसंद आ रही थी, फिर उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं मिल सकती हैं, ये भी बुकड हो चुकी हैं। तो जो भी हमें पसंद आते थे उसी को मना कर देते थे। फिर हम आगे और चले, उन्होंने कहा हाँ आपको मिल जाएंगी। तो हमने काली माता के स्वरूप को देखा, फिर और भी माता रानी के स्वरूप को देखा कि हम जो हैं कौन सी वाली जो है हमें मिल जाए, जो कि हमें विराजमान करनी है। जो भी हमें पसंद आती थी ना, वही कहते थे ये बुकड है, ये वाली आज नहीं मिल पाएगी, आपको कल आना पड़ेगा। तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज तो लग रहा है माता रानी आना ही नहीं चाह रही हो, हमें कह रही हो कि चलो मुझे खोजो, मुझे ढूंढोगे तभी मैं आज मिलूँगी। तो इस जगह से भी जो है हम लोग आगे निकल लिए, जहाँ पर हमें और आगे जाकर कुछ माता रानी और मिली। हमने यहाँ पर माता रानी को देखा, और एक माता रानी मतलब कि जो नज़र पड़ते ही मन को भा गई माता रानी का वो स्वरूप। तो वो हमने बोला कि हमें ये वाली माता रानी चाहिए, तो उन्होंने कहा मिल जाएंगी। और मैं तो सीधा गई, मैंने पिताजी को देख लिया था यहाँ पर, और भ्राता गणेश जी जो वहाँ विराजमान थे। मैंने माता रानी को बाद में देखा, सबसे पहले ना जो हमें लेनी थी, मैंने कहा सबसे पहले ना मैं पिताजी को देख लूँ। मैं आ गई यहाँ पे पिताजी को देखने के लिए, भ्राता गणेश जी को देखने के लिए। फिर हमने माता रानी का फाइनल किया कि हमें कौन सी वाली माता रानी जो है लेनी है। यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ थी ना, बहुत सुंदर सुंदर। फिर माता रानी को हमने बोला कि इनका श्रृंगार कर दीजिए, और माता रानी जो है हमें लेनी है, क्योंकि माता की जो है वो आंखें नहीं बनी थी, और हमने अपने मुताबिक ही माता की आंखें बनवाई थी। फिर हमने काली माता को देखा, पिताजी को भी देखा, सबको देखा कि अब हमें कौन कौन सी जो है लेने हैं, जो हमने फिक्स करते चले गए। और यहाँ पर हमें सब कुछ प्राप्त होता चला गया, यानी कि जहाँ से हमारी उम्मीद ऐसा लग रहा था टूटती जा रही है कि ना अभी नहीं मिल रही है, लेकिन हमें ये था विश्वास कहीं से भी माता रानी मिलेगी ज़रूर, अगर कहीं भी जाना पड़े हमें लेकर तो आना ही है। फिर हमने भ्राता अपने गणेश जी को, माता रानी को और बाकी सबको जो है ले लिया, और हमने बोला कि इनको तैयार कर दीजिए जल्दी जल्दी से, माता रानी हमें लेकर जानी है। इतनी सुंदर सुंदर माता रानी थी ना, ये भी माता रानी ना मतलब कि मन को भा गई। ये पीपल के पेड़ पे राधा कृष्ण जो थे बने, अभी मेरे भ्राता। अब आपको पता है मेरे भ्राता को लेने के बाद में बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी कि मेरे भ्राता जो हैं गणेश जी जो है मेरे पास आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी बहन के पास आना था। अब जो है हम विराजमान हुए फिर से भ्राता को लेकर, और चल दिए, और जहाँ हम अपने अपने घर आना था हम वहाँ
पहुंच गए, क्योंकि हमें जो है चौकी जहां पर लगने वाली थी हमें वहीं लेकर जाना था। अभी जो है हमने बैठा दिया